आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज की खास रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी मधुबनी श्री अमित कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश के अध्यक्षता में पंचायत आप निर्वाचन 2021 को लेकर जिले भर में लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में कोषांके वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा गूगल मीट के माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा उम्मीदवार तथा सरकारी विभागों कर्मियों के लिए निरूपित आदर्श आचार संहिता के अनुपालन संबंधी जिला के स्तरीय सभी पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना अध्यक्षों को विस्तृत एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तिथि 24/8/2021 से मधुबनी जिला में पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है एवं चुनाव के अंतिम चरण तक विधिवत रूप से परिणाम घोषित होने तक यह आदर्श आचार संहिता जारी रहेगा। जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा पंचायत आम निर्वाचन के सफल संचालन हेतु आदेश जारी किया गया है जो निम्नलिखित है। उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचरण। उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्य से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध हो। कोविड 19 के संबंध में केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन। चुनाव के दौरान प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की अनुमति। शासन और संस्थाओं के वाहन आदि के उपयोग पर प्रतिबंध। संबंध में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में इत्यादि। दूसरी ओर जिला प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी द्वारा पंचायत चुनाव 2021 का सफल संचालन हेतु जिला मास्टर ट्रेनर के द्वितीय प्रशिक्षण का आयोजन नगर भवन मधुबनी में किया गया। प्रशिक्षित सभी मास्टर ट्रेनर द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर मतदान पदाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, मतगणना कर्मी को जिले में प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिनांक 3/9/2021 से 7/9/2021 तक एवं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिनांक 17/9/2021 से 21/9/2021 तक दिया जाएगा। नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी झंझारपुर जियाउर रहमान, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर अनुमंडल राजेश कुमार शाह एवं वरीय मास्टर ट्रेनर श्री पवन लाल कर्ण, शंकर प्रसाद सिंह, विजय कुमार, साबिर हुसैन, संजय श्रीवास्तव, राजेश रंजन, नूरुल एन नूरी आदि द्वारा मास्टर ट्रेनर को बताया गया कि पहली बार ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स दोनों का प्रयोग करते हुए पंचायत निर्वाचन किया जाना है को समझाते हुए मास्टर ट्रेनर को ईवीएम के बारे में जानकारी एवं संचालन, मॉक पोल, ईवीएम की सीलिंग, मतदान दल, मतदान पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व, मतदान प्रक्रिया तथा विभिन्न पैकेटों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। साथ ही मास्टर ट्रेनरों को मत पेटी खोलने, बंद करने, पेपर सील लगाने तथा मतदान स्थिति में लाने की जानकारी मत पेटी दिखाकर दिया गया एवं अन्य बिंदुओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। देखिए यह रिपोर्ट। पंचायत आम निर्वाचन 2021 से संबंधित आज मास्टर ट्रेनर का द्वितीय प्रशिक्षण है। आज के प्रशिक्षण में सभी मास्टर ट्रेनर को कहां कहां सेंटर है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, किस मास्टर ट्रेनर को किस सेंटर से संबद्ध किया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी, मत पेटी का सीलिंग, ईवीएम का सीलिंग, इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। वैसे इस जिले में 7 प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। हाई स्कूल रामपट्टी, मध्य विद्यालय रामपट्टी, जीएमएस उच्च विद्यालय मधुबनी, जीएमएसएस मध्य विद्यालय मधुबनी, प्लस टू उच्च विद्यालय रेखा,
मध्य विद्यालय रेहका एवं मध्य विद्यालय संभवार में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जिसमें इस जिले में निर्वाचन 2021 पंचायत चुनाव में जो कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे उनको विधिवत 3/9/2021 से 7/9/2021 तक प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 17/9/2021 से 21/9/2021 के बीच में दिए जाने का अभी डीएम साहब के द्वारा जो है अप्रूवल मिला है, उसी के तहत अभी प्रशिक्षण दिया जाना है। अपना परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम शंकर प्रसाद सिंह बड़िए मास्टर प्रशिक्षक। उद्देश्य है कि मास्टर ट्रेनर को ईवीएम का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाए, ताकि जो मतदान कर्मियों का जो प्रशिक्षण होगा उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। इसीलिए ईवीएम को अच्छी तरह से जान लें सभी मास्टर ट्रेनर, ताकि वो प्रशिक्षण कक्ष में किसी तरह की कोई चूक न हो और मतदान कर्मी सही से प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए। इसलिए कि ये चुनाव अन्य चुनाव से भिन्न है, 4 पदों का ईवीएम से होना है और 2 पदों का बैलेट बॉक्स से होना है, और इसीलिए ये गहन प्रशिक्षण मेन ईवीएम के हैंड्स ऑन और बैलेट बॉक्स के हैंड्स ऑन का प्रशिक्षण दिया जाना है। आज के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है। धन्यवाद। अपना परिचय मोहम्मद साबिर हुसैन, सीनियर एमटी मधुबनी। पंचायत निर्वाचन 2021 को सफल संचालन कराने हेतु सभी उसमें मतदान पदाधिकारी, मतदान कर्मी, मतगणना कर्मी, मतगणना पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाना है। जैसा कि इस बार का चुनाव अन्य चुनाव से भिन्न है, इससे पहले जो चुनाव हुए हैं सो केवल ईवीएम से हुए हैं या बैलेट बॉक्स के माध्यम से हुए हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उस पद ईवीएम से भी हो रहा है। 4 पदों का चुनाव ईवीएम से हो रहा है और 2 पदों का चुनाव बैलेट बॉक्स से हो रहा है। इसीलिए इस बार इसमें गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसकी कोई कन्फ्यूज नहीं हो। दूसरे चुनाव में मतदान केंद्र पर 4 पदाधिकारी रहते थे, मतदान पदाधिकारी, लेकिन इस बार 6 पदाधिकारी रहेंगे। तो इस बार अलग अलग कुछ कार्यक्रम बदल गया है पहले से, इसीलिए मास्टर ट्रेनर को भी उसी के अनुसार प्रशिक्षण देना है। और इन लोगों का पहला चरण का प्रशिक्षण एक बार हो चुका है, लेकिन चूंकि नई नई बातें हैं, नए तरह का चुनाव है, इसीलिए इन लोगों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए फिर से आज बुलाया गया है। इनको फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो जो इन लोगों के मन में शंकाएं रहेंगी उस सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि अपने अपने केंद्र पर जाकर के सफल ढंग से अपना यह प्रशिक्षण दे सके। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम पवन कुमार लालकर, मैं बड़ी प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर जिला प्रशिक्षण प्रबंधन के साथ। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। सब्सक्राइब टू माय बोथ यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया एंड हिंदुस्तानी मीडिया 24/7। Thanks for watching.